नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जैसा कि आपने कल देखा होगा, किस तरह से एलजेपी को तहस नहस करने की बात जदयू की तरफ से की जा रही थी। इन सारी बातों के बीच में 200 लोगों ने जब जदयू ज्वाइन किया तो यह कहा जाने लगा कि अब नीतीश कुमार की पार्टी जदयू पूरी तरह से एक्शन में आ गई है और वो लोजपा को बिहार में टिकने नहीं देगी। लेकिन बात यहीं शुरू नहीं होती है, बात यहां खत्म नहीं होती है, बात यहीं से फिर से नए सिरे से प्रारंभ होती है और एक बड़ा दावा लोजपा की तरफ से किया जा रहा है। भारत लाइव ने पहले भी आपको बताया था कि लोजपा इन लोगों के जाने से जरा भी चिंतित और विचलित नहीं है, क्योंकि ये सारे लोग जो लगभग पार्टी से निष्कासित किए जा चुके हैं। अब लोजपा का जो बड़ा दावा है उसे लेकर के सबसे पहले एक्सक्लूसिव खबर के साथ हम आपको बता रहे हैं कि कृष्णा कुमार कल्लू हमारे साथ हैं, जो कि मीडिया प्रभारी हैं लोजपा के, और इनका और इनकी पार्टी का एक बहुत बड़ा दावा है कि ये बहुत बड़ा अभी बिहार की राजनीति में भूचाल लाने वाले हैं, जिसे सुन करके आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी और सरकार संकट में आ जाएगी। क्या कुछ है हम खुद जानते हैं कृष्णा कुमार कल्लू से। तो बताइए कल्लू जी, क्या कुछ लेकर गए हैं, क्या विस्फोट करने वाले हैं? सिर्फ हवा हवाई है या इसमें कोई तर्क भी है? जनता दल यू के द्वारा जिस तरीके से लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि लोजपा के कई नेता हमारे पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए और लोजपा खत्म हो गई, मैं इस दावे को खारिज करता हूं। जनता दल यू अपनी पार्टी को बचाएं, चूंकि जनता दल यू के 17 से 22 विधायक लोक जनशक्ति पार्टी के संपर्क में हैं, इसका दावा मैं कृष्णा सिंह कल्लू पूरी तरीके से करता हूं। और जिन लोगों का उन्होंने लिस्ट दिखाया और जारी किया, 208 लोग, उसमें मात्र 7 से 8 लोग जो हैं लोजपा के ही थे। और जो लोगों को लिस्ट में दिखाया जा रहा है, मैं उनसे प्रमाण मानता हूं कि वो अपना सदस्यता रसीद दिखाएं। जिस तरीके से बिहार में चारा घोटाला हुआ, नल जल योजना की घोटाला की जांच चल रही है, हो रही है, उसी तरीके से इस नीतीश राज में सबसे बड़ा घोटाला अगर किसी चीज का हुआ है तो उस घोटाले का नाम है नेता घोटाला। और नीतीश कुमार जी को मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आरसीपी सिंह उनके आंखों में धूल झोंक रहे हैं। इन तमाम नेताओं को लिस्ट निकालकर उनसे पूछे कि ये कभी क्या लोजपा में थे, अगर थे तो वो अपना परिचय पत्र दिखाएं, अपना सदस्यता रसीद दिखाएं, तब मैं मानूंगा। मैं चैलेंज करता हूं वो लोजपा के नेता नहीं थे। और सबसे बड़ी बात कि 17 से 22 विधायक जो हमारे संपर्क में हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने पूर्व में ही कह चुके हैं कि बिहार के आवाम और लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता कमर कस ले, बहुत जल्द बिहार में चुनाव होने जा रही है, सत्ता परिवर्तन होने जा रही है। कल्लू जी, आपने दावा तो कर दिया, पर इस दावे में हकीकत यह है कि अगर 17 लोग हैं तो फिर ऐसी स्थिति में सरकार बनाने की स्थिति में आप कैसे आएंगे? आंकड़े तो कह नहीं रहे हैं। सरकार बनाने के लिए एक तिहाई बहुमत चाहिए और 17 आ रहे हैं और घट रहे हैं 11, तो कहीं ना कहीं वो विधायक जो सोचेंगे कि हमारी जो चली जाएगी सदस्यता, मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है कि 11 विधायक और मुझे संपर्क साध कर मुझे आग्रह कर हमारे पार्टी में आएंगे और हम सरकार बनाएंगे। अगर सरकार किसी कारण बस नहीं बनती है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में मध्यवर्ती चुनाव के लिए लोग तैयार रहें और मध्यवर्ती चुनाव हो जाएगा। तो ये देखा आपने, कृष्णा कुमार कल्लू जी का एक बड़ा दावा है। ऐसा ही दावा पहले आरजेडी ने भी किया था और आरजेडी के श्याम रजक के बाद ये दूसरा दावा है जो कृष्ण कुमार कल्लू जी कर रहे हैं। अब देखना होगा कि बिहार की राजनीति में ये भूचाल लाते हैं कि इनकी बातें हवा हवाई रहती है। जुड़े रहे भारत लाइव के साथ, देखते रहे भारत लाइव, और भारत लाइव के साथ आपका सहयोग भी जारी रहे। नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखे नी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।